आपने अभी तक देख लिया कि जो मतलब अंग्रेज अफिसर की पत्नी को अंगूठी भेजा गया था, तो उसने जितने सारे भेज दिया गया है उतना ही 50 अंगूठिया भी उन्होंने रख दिया। तो इससे क्या हुआ, जो महाराजा का मतलब 3 लाख रुपए तो उनको गया, परंतु राज्य को बचाने में वो सफल हो गया। आगे देखिए इसके बारे में राइटर ने और क्या लिखे हैं हिस्टोरिक से। द महाराजा टाइगर हंस कंटिन्यूड टू बी हाईली सक्सेसफुल। विद इन 10 ईयर्स ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स एंड देन एन अनफॉर्चुनेट 100 ब्रॉट हिज मिशन टू ए सैंड स्टिल। द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिभापुरम। हु नोज वेदर द टाइगर्स प्रैक्टिस्ड बर्थ कंट्रोल और कमिटेड हरस्किली और सिंपली रैन अवे फ्रॉम द स्टेट बिकॉज दे डिजायर टू बी शॉट बाय ब्रिटिश हैंड्स अलोन। वन डे द महाराजा सेंट फॉर द दीवान। दीवान साहेब, aren't you aware of the fact that 30 tigers still remain to be shot down by this gun of mine? He asked, brandishing his gun. Shuddering at the sight of the gun, the Diwan cried out, Your Majesty, I am not a tiger. Which idiot would call you a tiger? No, and I am not a gun. You are neither tiger nor gun. Diwan Sahib, I summoned you here for a different purpose. I have decided to get married. The Diwan began to babble even more. Your Majesty, I have 2 wives already. If I marry you, don't talk nonsense. Why should I marry you? What I want is a tiger. Your Majesty, please think it over. Your ancestors were married to the sword. If you like, marry the gun. A tiger king is more than enough for this state. It doesn't need a tiger queen as well. The Maharaja gave a loud crack of laughter. I am not thinking of marrying either a tiger or a gun, but a girl from the rank of human beings. First you may drawn up statistic of tiger population in the different native states. Next, you may investigate if there is a girl I can marry in the royal family of a state with a large tiger population. The Diwan followed his orders. He found the right girl from a state which possessed a large number of tigers. Maharaja Jang Jang Bahadur killed 5 or 6 tigers each time he visited his father-in-law. In this manner, 99 tiger skin adorned the walls of the receptions hall in the Pratibandhapuram palace. Maharaja Dwara Bagh ke Sikar ka karya atyadhik safalata purvak chalta raha. 10 वर्षों में उन्होंने लगभग 70 बाघों को मारा और तब एक अदृश्य बाधा उनके अभियान के आगे आकर खड़े हो गए। प्रतिबंधपुरम के जंगलों में बाघों की जनसंख्या एकदम से विलुप्त होने की स्थिति में आ पहुंची। कोई नहीं जानता था कि क्या बाघों ने परिवार नियोजन करना आरंभ कर दिया था या फिर उन्होंने ब्रह्मचार्य का पालन करना शुरू कर दिया था या फिर वे राज्य से भाग गए थे ताकि वे केवल अंग्रेजों के हाथों में मरे जा सके। एक दिन महाराज ने दीवान को बुलवाया। दीवान साहब, क्या आप इस बात से अनजान हैं कि अभी भी मेरी इस बंदूक से 30 बाघों को मारना बचा है? उन्होंने अपनी बंदूक को घुमाते हुए कहा। बंदूक की तरफ दृष्टि पड़ते ही दीवान चीख उठा, हे महाराज, मैं बाघ नहीं हूँ। कौन बेवकूफ तुम्हें बाघ कह रहा है? नहीं, मैं बंदूक भी नहीं हूँ। तुम ना तो बंदूक हो और ना तो बाघ हो। दीवान साहब, मैंने आपको यहाँ पर किसी और कार्य के लिए बुलाया है। मैंने शादी करने का निश्चय किया है। दीवान अब और भी ज्यादा हकलाने लगा। महाराज, मेरे पहले 2 पत्नियां हैं। यदि मैं आपसे शादी करता हूँ। बकवास मत करो, मैं तुमसे शादी क्यों करूँ? मुझे एक बाघ। महाराज,
एक बार फिर सोचिए, आपके पूर्वजों ने तलवार के साथ विवाह किया। यदि आप चाहती हैं तो बंदूक के साथ विवाह कर ले। इस राज्य के लिए एक बाघ राजा ही काफी है, इसे एक बाघ रानी नहीं चाहिए। महाराज जोर से खिलखिलाकर हंस पड़े। मैं किसी बाघ या बंदूक से विवाह करने के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, बल्कि मैं इंसान की लड़की के बारे में बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तुम अलग अलग राज्यों में बाघों की संख्या का पता लगाओ। उसके बाद तुम यह पता लगाओ कि ऐसे कोई लड़की है जिसके साथ मैं बाघों को विशाल जनसंख्या वाले राज्यों से शाही परिवार में शादी कर सकूं।